डॉक्टर सोक्तावर, इस समय हरियाणा में क्या एजेंडा चल रहा है? हरियाणा में एजेंडा किसान मजदूर से लेकर के कर्मचारी व्यापारी जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हैं, चाहे उसमें दलित हो, दूसरा जो हमारे समय की महत्वपूर्ण योजनाएं थी उसको जिस तरीके से फंड्स की कटौती हुई, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो और तमाम महात्मा गांधी नरेगा से लेकर के कन्यादान स्कीम, ऐसी स्कीमें हैं जिसमें भारी जो फंड्स की कटौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और आक्रामकता के साथ सदन के अंदर भी और सदन के बाहर सड़कों पर भी मैदान में उतरेगी। ये जो कंक्लेव चल रहा है इसमें मुख्य तौर पर दलित समाज के लोगों को बुलाया है, नेताओं को बुलाया है, लेकिन मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कवायद है या दलित समाज को? नहीं, फायदा तो दलित समाज को ही पहुंचाएंगे, अभी कोई चुनाव तो है नहीं। दलित समाज को फायदा होगा, सर्व समाज को फायदा होगा, पूरे हरियाणा को फायदा होगा, तो अपने आप कांग्रेस देश की पार्टी है और देश के बारे में सोचती है। ये जो संकीर्ण सोच है उससे मैं समझता हूँ कि वो दूसरी दलों की है, उससे प्रदेश की जनता को निकालना ये कांग्रेस का प्राथमिक कार्य है और ये हम कर रहे हैं। पार्टी के तमाम नेताओं को आज आपने एक मंच पर एकजुट कर दिया है, क्या इसे आने वाले समय कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हैं? हरियाणा सभी के लिए, प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छे संकेत हैं, कांग्रेस के लिए भी अच्छे संकेत हैं, और कांग्रेस पार्टी जहाँ ज़रूरत है वहाँ एकजुट होकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हर चाहे वो पार्टी के हमारे नेताओं की हो, कार्यकर्ताओं की हो, या भारी जो जनता है जिनको कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिखती है, उनकी सबकी आवाज़ उठाने का काम, लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। अशोक तंवर का कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सड़कों पर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर और भीतर तमाम मोर्चों पर सरकार की घेरेबंदी करेगी और दलित समाज को खास तौर पर उसके हक दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ी जाएगी और जुझारू तरीके से इस लड़ाई को पूरे हरियाणा में व्यापक तौर पर फैलाया जाएगा। कुरुक्षेत्र से कैमरामैन वैभव के साथ राजेश चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।